आस पड़ोस के सभी लोग बंटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सीमा ने लता जी को फोन किया, मालकिन मेरा बेटा बंटी तो आपके यहाँ नहीं आया। बंटी अभी घर से निकलकर गली में खेलने गया ही था कि उसकी मम्मी सीमा ने आवाज दी, बेटा घर में आ जा, बाहर इतना ट्रैफिक चल रहा है, कहीं किसी गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। मम्मी आप मुझे पार्क में तो ले नहीं जाती, गली में खेलने नहीं देती, मैं क्या करूं? सीमा सोच में पड़ गई। उसे घर के काम के साथ साथ कई घरों में काम करने जाना पड़ता है, इसलिए समय ही नहीं मिल पाता था। सीमा ने कहा, तू घर में ही खेला कर, कल मेरी छुट्टी है, कल तुझे पार्क में मैं ले जाऊंगी, जितना मर्जी खेल लेना। बंटी मम्मी की बात मानकर घर में आ गया। शाम को सीमा लता जी के घर का काम निपटा कर निकलने ही वाली थी, तभी लता जी ने टोका। लता जी ने सीमा से कहा, कल की छुट्टी मत करना, कल बहुत काम है, कल मेरे गोलू का जन्मदिन है, बहुत काम होगा। सीमा ने कहा, लेकिन मालकिन कल तो मुझे अपने बेटे को कहीं लेकर जाना है, मैं नहीं आ सकती। लता जी ने कहा, फिर किसी दिन ले जाना बेटे को, कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, नहीं तो दुगने पैसे काट लूंगी। सीमा चुपचाप मन मार कर घर की ओर चल दी। अगले दिन सीमा सुबह तैयार हो रही थी, तभी बंटी उसके पास आया और बोला, मम्मी बड़ी जल्दी तैयार हो गई, रुको मैं भी तैयार हो जाता हूँ, आज बहुत देर पार्क में खेलेंगे। सीमा बोली, नहीं बेटा आज नहीं, आज मुझे काम पर जाना है, तू घर में खेल ले, किसी और दिन चलेंगे। बंटी नाराज होकर अपनी माँ से कहता है, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यह कहकर बंटी एक कोने में रुककर बैठ जाता है। सीमा को देर हो रही थी, वह जल्दी जल्दी काम पर जाने के लिए निकल गई। ना चाहते हुए सीमा को काम पर जाना पड़ा। सीमा के जाने के बाद बंटी ने सोचा, मम्मी तो ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी, क्यों ना मैं खुद पार्क में चले जाऊं, खेलकर वापस आ जाऊंगा, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। बंटी अपने घर का दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया और पार्क की ओर चल दिया। पार्क में जाकर वह झूलों पर झूलता, कभी दौड़ लगाता, उसे बहुत मजा आ रहा था। इधर सीमा जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, आज उसे केवल एक ही घर में काम करना था। सीमा ने सोचा, जल्दी से काम निपटा कर घर पहुंच जाऊंगी, शाम को बंटी को पार्क में ले जाऊंगी। सारा काम निपटा कर उसने लता जी से कहा, मालकिन सारा काम हो गया, मैं जाऊं? लता जी ने कहा, चल ठीक है, ये ले, ये रख ले बेटे के जन्मदिन की खुशी में, तू भी मिठाई खा। उन्होंने एक मिठाई का डिब्बा और कुछ पैसे सीमा को दिए। सीमा जल्दी से मिठाई और पैसे लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुँच कर उसने देखा घर में ताला लगा हुआ है, यह देखकर वह घबरा गई। बंटी कहाँ गया? उसने आस पड़ोस में पता किया, लेकिन बंटी का कहीं अता पता नहीं था। पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, सभी बंटी को ढूंढने लगे। बंटी सीमा का एकमात्र सहारा था, उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था, सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। तभी सीमा को ख्याल आया कि बंटी पार्क में जाने की जिद कर रहा था। वह भागी भागी पार्क में पहुंची, अंधेरा होने लगा था, पार्क में कोई भी नहीं था। वह बंटी बंटी आवाज देकर पार्क में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वह घर वापस आ गई। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था, वह अपने आप को कोस रही थी, अगर आज वह काम पर न जाती तो बंटी घर छोड़कर कभी नहीं जाता। आस पड़ोस के सभी लोग बंटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सीमा ने लता जी को फोन किया, मालकिन मेरा बेटा बंटी तो आपके यहाँ नहीं आया। यह कहकर सीमा रोने लगी। लता जी ने उसे चुप कराया और कुछ ही देर में वो अपने पति के साथ सीमा के घर पहुंच गई। लता जी ने सीमा से कहा, चिंता मत कर, बंटी मिल जाएगा, इनकी पुलिस में बहुत जान पहचान है, तू बंटी का फोटो दे दे। कुछ ही देर में बंटी का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। लता जी के पति की जान पहचान के कारण पुलिस तेजी से बंटी को ढूंढने लगी, लेकिन बंटी का कुछ पता नहीं लगा। रात के 11 बज गए थे, तभी एक ऑटो सीमा के घर के बाहर आकर रुका।
उसमें से बंटी उतरा। उसे देखकर सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी ऑटो में से एक औरत उतरी। औरत ने बताया कि यह पार्क में खेलने के बाद पार्क के दूसरे गेट से बाहर निकल गया होगा, वहां जाकर रास्ता भूल गया, मैं अपने ऑफिस से आ रही थी। यह सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। मैंने ऑटो किया और बहुत देर से घूम रहे हैं। अब इस सड़क पर आकर इसने अपना घर पहचाना। सीमा ने उनका बहुत धन्यवाद किया। वह महिला खुशी खुशी उसी ऑटो में बैठकर वापस चली गई। बंटी रोते हुए मम्मी से बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। सीमा ने कहा, हाँ बेटा, आगे से मत जाना, आगे से चाहे कितना भी जरूरी काम हो। सीमा सप्ताह में एक दिन की छुट्टी करके अपने बेटे के साथ समय बिताती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें काम के साथ साथ अपने परिवार का ध्यान भी रखना चाहिए और बच्चों को समय देना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। और हाँ, बच्चों को माता पिता की बात माननी चाहिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।